नमस्कार दोस्तों, टेक्नो गाइड में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, MIUI 9 का अपडेट सबके लिए आ चुका है। तो किस प्रकार से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप इसमें अपने फ़ोन में अपडेट कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको MIUI की वेबसाइट पर जाना होगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास आएगा रेडमी नोट 4, भी हमने पेज निकाल रखा है। अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल है तो आप यहाँ पे होम पे जाके अपना मोबाइल सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले ऊपर वाला जो स्टेबल रोम है वो डाउनलोड करना है, डाउनलोड फुल रोम। ये डाउनलोड लगभग 1.5 से 2 GB का होगा, 1.5 GB का होगा या 2 GB का। तो डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, अपने फ़ोन का बैकअप ले लें। वैसे डाटा डिलीट नहीं होगा, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए बता रहा हूँ, अपने फ़ोन का बैकअप ले लें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो फाइल डाउनलोड हुई है उसका आपका नाम देना है updated.zip, यानी जिप आपको उसका नाम देना है। उसका नाम देने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के अपडेटर में जाना है। जैसे आप अपडेटर में जाएंगे तो आपको चेक फॉर अपडेट करना है, आप इंटरनेट बंद करके इसको ट्राई करना है। तो चेक फॉर अपडेट करेंगे तो आपको सबसे पहले आएगा MIUI 9 स्टेबल वर्जन, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर वो आपका नॉर्मल प्रोसेस होगा, आपका अपडेट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको चेक फॉर अपडेट में ना दिखाए तो आपको ऊपर 3 डॉट्स देखेंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा लोकल अपडेट्स। तो लोकल अपडेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास आप दिखा जाएगा कि MIUI 9 वर्जन अवेलेबल जो भी है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी कमेंट या कोई भी डाउट है कोई से भी मोबाइल को लेके, भले वो MI का हो कोई सा भी, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई विद इन 2 आवर्स दे दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।